नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं टेक्निकल पटना का यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। भैया, अगर आप प्रो यूट्यूबर हैं या आप बिगेनर यूट्यूबर हैं, सभी के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि कुछ गलतियां आप ऐसी करते हैं जब आप वीडियो को अपलोड करते हैं। किस तरह से होती है वीडियो अपलोड, क्या है सही तरीका, मोबाइल से भी और आपके डेस्कटॉप से भी। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन एक छोटी सी दरख्वास्त, वीडियो को देखना है अंत तक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम की आईडी चलती रहती है भाई, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लेना, फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ लाइव नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है यूट्यूब की तरफ से चैनल में। इसलिए जो भी लाइव होते हैं मेरे, वो मेरे इंस्टाग्राम पर होते हैं, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। साथ साथ टेलीग्राम पर भी हूँ, टेलीग्राम पे मैंने जो चैनल बनाया है वो आप लोगों के लिए बनाया है। आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझसे वीडियो शेयर करो, मैं आपकी अच्छी वीडियोस जो मुझे लगेंगे कि हाँ इन वीडियो में दम है, उन वीडियोस को अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी औरों के साथ भी शेयर करूँगा, तो आपकी जो शेयरिंग की प्रॉब्लम है वो भी कहीं ना कहीं आपकी दूर हो जाएगी। तो उसके लिए पहले आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना पड़ेगा और मेरे लाइव का वेट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, जो वीडियो अपलोडिंग होती है यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैसे अपलोड होती है, कहाँ होती है, वो तुमको सबको पता है, उसके बारे में नहीं बताऊंगा। पहला जो टिप आता है वो आता है कि टाइमिंग ऑफ द वीडियो। देखिए, वीडियो की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आप शाम को 7 बजे अपलोड करते हैं तब आप कितने व्यूज़ आ रहे हैं, वीडियो जो है वो आप रात को 10 बजे अगर आप कर रहे हैं तो आपको कितने व्यूज़ आ रहे हैं, वीडियो आप अगर सुबह 6 बजे अपलोड कर रहे हैं तो कैसे व्यूज़ आ रहे हैं। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका जो चैनल है वो किस चीज़ का है। अगर टेक का चैनल है तो 8 बजे तक अपनी वीडियो आपकी आ जानी चाहिए, 10-11 बजे के आसपास वीडियोज़ जो होती हैं उसमें बहुत सारा भरमार होती है। और बड़े बड़े यूट्यूबर, देखिए टेक ऐसा एक, मैं कहूँगा कि एक टैक एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है यूट्यूब पे जिस पे कॉम्पिटिशन हद से ज़्यादा है। इसमें मारामारी इतनी है कि जो लोग वीडियोस बनाते हैं टैग के ऊपर, वो इतनी ज़्यादा वीडियोस बनती हैं कि उसमें से पहली किसकी अपलोड हो रही है ये डिपेंड करता है। और रात को 10 बजे 11 बजे के आसपास बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोस अपलोड करते हैं, जहां पर आपकी जो वीडियो होती है वो नीचे दब जाती है। तो टाइमिंग ऑफ द वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी बड़े यूट्यूबर के साथ डील कर रहे हैं या आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसका आपको पता है कि ये इन्फॉर्मेशन ये यूट्यूबर भी ज़रूर देगा, तो उससे पहले आपको वो डाल देनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है कि प्रॉपर कीवर्ड्स। आप में से जो लोग वीडियोस बनाते हैं मेरी तरह या किसी और की तरह, तो वो लोग क्या करते हैं, जब वीडियो को रेंडर करते हैं तो वो कई बार उस कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। आप AVI फॉर्मेट में बनाइए चाहे MP4 में बनाइए, उसके साथ जो उसका जो रेंडर वाला फाइल आ रहा है उसको उसी प्रॉपर कीवर्ड से रखिए जो कीवर्ड पे आप रैंक करना चाह रहे हैं। जैसे सपोज करो, हाउ टू राइट टाइटल्स ऑन यूट्यूब, एक आपने वीडियो बनाई और उसके ऊपर आपने लिख दिया title.mp4। अब ये पता नहीं चल रहा है कि title.mp4 क्यों है। देखो, ये SEO प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छा होता है। आपका जो टाइटल होता है जिससे आप रेंडर करते हैं, जैसे आपने मैंने बताया आपको हाउ टू राइट टाइटल्स ऑन YouTube.mp4, अगर आप बनाओगे बनस्पत title.mp4 से तो वो ज़्यादा आपको वेटेज देगा। ये एक ऐसी हिडन ट्रिक है जिसे बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, कभी जाना उस पर यूट्यूब के पेज पे जहाँ वीडियो अपलोड हो जाती है, Ctrl+U करके देखना और अपनी फाइल को सर्च करना, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जो MP4 का जो कीवर्ड होता है ना, इससे पहले जो कीवर्ड लगा होता है, मतलब हाउ टू राइट टाइटल्स ऑन YouTube.mp4, तो हाउ टू राइट टाइटल्स जो है वो कीवर्ड हो गया। तो हमेशा याद रखो, जब वीडियो को रेंडर कर रहे हो तो वो उसको कीवर्ड्स के ऊपर ही रेंडर कराओ, और उसको जब रेंडर करने के लिए टाइटल दो तो वही टाइटल दो जो आप जिससे आप करना चाहते हो। तीसरी चीज़ आती है डेमोग्राफिक्स में, जिसमें आप ये देखते हैं कि आपकी जो एज है व्यूअर्स की वो क्या है। मान लीजिए अगर आपकी एज 17 से 34 के बीच में आती है चैनल की, तो आपको कोशिश यही करना है कि वीडियो में जो थंबनेल लगाने हैं वो आपको ऐसे लगाने हैं जो उन लोगों को अपील करें। ऐसा नहीं है कि आपने थंबनेल ऐसा लगा दिया कि जिसको कोई टच ही नहीं कर रहा। तो पहली बात यहाँ पर ये आ जाती है कि बिफोर अपलोडिंग द वीडियो आपको ये देखना चाहिए कि आपके जो ऑडियंस है वो क्या है। आपकी ऑडियंस अगर 17 से 34 साल वाली है या
25 से 45 वाली है तो उनको कैसे थंबनेल पसंद आते हैं, वो थंबनेल भी आपको उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यार ये ऐसे मैं टिप्स तुमको दे रहा हूँ, ये टिप्स कोई देगा नहीं तुमको, क्योंकि इनसाइट्स कोई नहीं देता अपनी, ठीक है। तो एज जो है वो आपको देखना है, साथ ही साथ जो पहली प्रिपरेशन होती है वो आपको देखनी पड़ेगी। पहली प्रिपरेशन से मतलब यहाँ पर यह है कि वीडियो अपलोड करने के बाद सीधा पब्लिश मत करो, पहले उसे अनलिस्ट करो। अनलिस्ट करने के बाद उसके अंदर प्रॉपर कार्ड्स लगाओ और जो लास्ट में जो आता है एंड स्क्रीन जो आती है, देखो अब पहले एक ज़माना था जब एंड स्क्रीन जो थी वो प्रॉपर अपने आप से बनानी पड़ती थी हम लोगों को और हमें एनोटेशंस लगानी पड़ती थी, लेकिन अब यूट्यूब ने काफ़ी हद तक आपके लिए बढ़िया कर दिया है। आपको चाहिए कि आप एंड स्क्रीन लगाएं, अनलिस्ट कर लें पहले वीडियो को, अनलिस्ट करने के बाद सारी प्रॉपर तरीके से चेक कर लें कि टाइटल सही लिखा है, डिस्क्रिप्शन सही है, टैग्स ठीक हैं, मैंने जो वीडियो अपलोड करी थी उसका रेजोल्यूशन ठीक आ रहा है, ये सब कुछ चेक करने के बाद साथ ही साथ एंड स्क्रीन और प्रॉपर कार्ड्स लगाने के बाद, देखो कार्ड्स लगाना बहुत ज़रूरी है। कई बार मेरे से भी गलती हो जाती है कि मैं कार्ड्स नहीं लगाता हूँ, तो ये कार्ड्स लगाना बहुत ज़रूरी है। कार्ड्स लगाने के बाद जब तुम सेटिस्फाइड हो जाओ तब आप वीडियो को अपलोड करो। और टाइमिंग तो खैर मेन है ही, मैं मान के चलता हूँ, मेरे केस में मैं तो ही मानता हूँ कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा मेन है। और 17 से 34 वाली जो बात मैंने आपसे करी है वो इसलिए करी है क्योंकि अगर 17 साल का बच्चा आपका वीडियो देख रहा है या 25 साल का बंदा या 34 साल का बंदा आपका वीडियो देख रहा है तो ऑब्वियसली बात है ऑफिस टाइमिंग में अगर आप वीडियो को अपलोड करोगे तो हो सकता है कि वो स्वैप करके हटा दे और कह दे कि मैं बाद में देखूंगा, और बाद की जो बात होती है वो बाद ही ख़त्म हो जाती है। पाँचवीं जो चीज़ आती है वो आती है कि आपके जो थंबनेल होते हैं या वो आपके बहुत क्रिस्प होने चाहिए और बहुत बढ़िया आपके होने चाहिए। ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है जो मैंने एज फैक्टर वाली बात की थी, क्योंकि एज फैक्टर में एक चीज़ ये भी आ जाती है कि जब आप एक माइंडसेट से चलते हो कि हाँ मैं 17 से 34 वाले की वीडियो बना रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप उसमें इनपुट्स भी वही डालते हो, और कई बार इनपुट डालने के चक्कर में क्या हो जाता है कि थंबनेल जो होता है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसमें बहुत कुछ लिख देते हो आप। तो वहाँ पर इस बात का ध्यान रखना कि ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, थंबनेल जो बनाना है चाहे मोबाइल से बनाओ, चाहे पीसी से बनाओ, चाहे फोटोशॉप से बनाओ, चाहे पिक्सआर्ट से बनाओ, किसी से बनाओ, बनाओ सॉलिड। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से मोबाइल से आप पिक्सआर्ट से आप बना सकते हो, आई बटन में दे दूंगा, आप उसको देख लेना। थंबनेल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, प्राइवेट पब्लिक अनलिस्ट शेड्यूल ये भी समझ लो। प्राइवेट बताइए आप प्राइवेटली किसी के साथ ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हो, पब्लिक पता है आपको कि सबको दिखेगी। अनलिस्ट अगर आपको लग रहा है कि कोई वीडियो जो है कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कुछ है, आप सेटिस्फाई नहीं हो, वीडियो को अपलोड मत करो, अनलिस्ट कर दो। अनलिस्ट वीडियो वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप स्पॉन्सरशिप करते हो। स्पॉन्सर क्या होता है, जब आपको स्पॉन्सर मिलता है तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक होने से पहले वो वीडियो पहले खुद देखना चाहते हैं कि आपने बनाई कैसे है, उस केस में अनलिस्ट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। शेड्यूलिंग का पता ही है कि आपको शेड्यूल कब वीडियो करनी है, शेड्यूल करने का मतलब हो गया कि आप आने वाले कुछ घंटे में प्रीमियर कराना चाह रहे हो या शेड्यूल करना चाह रहे हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला टाइमिंग, दूसरा एज स्पेसिफिक थंबनेल्स के एज स्पेसिफिक थंबनेल्स आपने बनाने हैं, साथ ही साथ तीसरा जो है आपको कीवर्ड इस्तेमाल करना है रेंडर करके जो वीडियो का फाइनल आउटपुट आता है उसके ऊपर, चौथा है कि आपको प्रॉपर तैयारी कर लेनी है, आपको वीडियो अपलोड सीधा नहीं करना है, पहले अनलिस्ट करना है। अनलिस्ट करने के बाद सब कुछ देखने के बाद आपको लग जाए कि हाँ यार वीडियो अब सेटिस्फाई है, सारी चीज़ें इंटैक्ट हैं, उसके बाद करें। चौथा और पाँचवा जो आ जाता है वो आ जाता है कि भाई हमारी जो वीडियो है उसका जो थंबनेल है वो बिल्कुल क्रिस्प है, बिल्कुल क्लियर हमारे वीडियो को बता रहा है। अगर ये पाँच चीज़ें तुमने कर ली ना तो तुम देखोगे कि तुम भी बहुत अच्छे जो है राइज कर पाओगे। मोबाइल पर कैसे करना है वो भी समझ लो। आप में से कई लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मोबाइल पे हम लोग स्ट्राइक नहीं देख पाते या हम ये नहीं कर पाते, आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम खोलना है, मोबाइल में डेस्कटॉप मोड को ऑन करना है, अपना यूट्यूब चैनल उसके अंदर खोलना है, जो भी आप मोबाइल पे करना चाहते हो बिल्कुल पीसी जैसा वो आप कर पाओगे अगर आप डेस्कटॉप मोड में क्रोम के अंदर जो है चीज़ों खोलोगे। वहाँ पर आपको स्ट्राइक्स भी दिख जाएंगे, एनालिटिक्स भी दिख जाएगा, सब कुछ वैसा ही दिखेगा जैसा आपको पीसी पे दिखता है। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये चीज़ें आप मोबाइल पर भी सेव
सेम टू सेम कर सकते हो, बस क्रोम का डेस्कटॉप मोड आपको ऑन करना होगा। तो दोस्तों ये 5 ऐसे टिप्स थे जो मतलब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी यूट्यूब के कैरियर के अंदर। कैसी लगी आपको वीडियो? थोड़ी लंबी हो गई फिर भी चलो कोई बात नहीं, जरूर कमेंट करना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज ही मुझे सब्सक्राइब करो, मिलता हूँ आप।